हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कलीमुल्लाह और आप सभी को हमारे चैनल रैक लाइफ में खुश आमदीद। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं ये भावलनगर का जो हिस्ट्रिकल है, बल्कि पाकिस्तान का हिस्ट्रिकल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ। तो पावर हाउस है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन के साथ ही पावर हाउस है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। ये अंकल जी हमारे साथ खड़े हैं, सलाहुद्दीन साहब, कि ये भी इसके मतलब थोड़ी सी मालूमात देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मालूमात इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये सलाहुद्दीन है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम आसिम खान है। तो नाज़रीन, ये अंकल जी हैं, ये थोड़ी सी मालूमात देंगे। ये जो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पावर हाउस है। यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके दौरान ये बनाया गया, उसके दौरान उन्होंने बनाया था, यहाँ बिजली वगैरह पैदा होती थी। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। अच्छा जी, इसके ये जो पावर हाउस है, इसके मुतलिक आप बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या देना चाहेंगे? ये सलाउद्दीन साहब को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये 1938 में कैम हुआ है और ये आप पावर हाउस देख सकते हैं। ये रेलवे का बिजली घर है, यहाँ पे हमारे वालदैन, हमारे दादाजी, हमारे अब्बाजी ने यहाँ पर नौकरी की है और वो रिटायर होकर अब चले गए हैं। और ये आपके सामने है, ये 1938 में ये कैम हुआ है। ये कैमरा मैन ऊपर दिखाए, अगर ये 1938 में कैम हुआ है। और उसके बाद बिजली रेलवे खुद रेलवे का यह इदारा पैदा करता था और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी से बिजली लेने की। और इस वक्त ये आपके सामने दिखा रहे हैं, आपको ये मौजूद है। और इस वक्त इसकी सूरत हाल ये है कि ये गाड़ी बंद होने की वजह से स्टेशन 2004 से तकरीबन बंद है, उस वजह से तमाम इदारा तबाह हो चुका है और ये पावर हाउस बंद है। और अब इसका कोई अमल दखल नहीं है, हमारी बिजली अब रेलवे वापड़ा से आती है। अच्छा, जब ये मतलब ये ब्रिटिश हुकूमत थी, जो अंग्रेज़ वगैरह थे बरतानिया के, उन्होंने जब ये पावर हाउस बनाया था तो बिजली वगैरह का कैसे ये प्रोसेस था, कैसे ये पैदा होती थी, मतलब ये इस तरह की मतलब मालूम अगर है? वो मालूम ये है जी कि उन्होंने खुद अपने यहाँ पर इंजन लगाए हुए थे, खुद आए, उनका ये साथ ही टैंकियाँ हैं जिसमें इसमें तेल पानी वगैरह का, उन्होंने खुद अंग्रेज़ ने खुद सिस्टम बनाया हुआ था वो जो पैदा करते थे बिजली। और आज वो बिजली पैदा नहीं होती, आज वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि 2004 से गाड़ी बंद है और अब उस वक्त वो पोजीशन नहीं है। और इस वक्त हम वापड़ा की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा अंग्रेज़ दौर का सिस्टम था। अच्छा, जब बिजली वगैरह प्रोड्यूस की जाती थी तो वो कहाँ कहाँ पर सप्लाई की जाती थी? जो रेलवे मुलाजमीन है, रेलवे के क्वार्टर वगैरह हैं उनको, या इसके अलावा और भी? वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी रेलवे सर्विस बिल्डिंग, जो हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो हमारे जो एम्प्लाई हैं रेलवे के, उनके लिए होती थी। इसके अलावा ये किसी को नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए थी और रेलवे सर्विस बिल्डिंग के लिए थी और रेलवे मुलाजमीन के लिए थी। यहाँ पर जो ऑयल टैंक वगैरह रखे हुए हैं, इस ये मतलब यहाँ पर जब तेल वगैरह या आगे जो इंजन वगैरह लगा हुआ था, ये इसके मतलब बता सकते हैं कैसे वगैरह बिजली वगैरह बनाई जाती है? अब इंजन मौजूद है या नहीं अंदर? अब इस वक्त इंजन मौजूद है यार, ये है बहुत पुरानी, 1938 की बात है। इस वक्त मैं न्यू अपॉइंटमेंट हूँ क्योंकि वो जो लोग थे, अब ये हमारे अफिसरों ने इसको सील किया हुआ है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते। इसके अंदर पूरा एक प्लांट है बिजली पैदा करने का और पूरा एक जनरेटर सिस्टम है जो मकसद का बिजली पैदा करता था। और पूरी बहुत हावी मशीनरी थी अंग्रेज़ ने लगाई जो कि यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इस वक्त वो नाकाम हो चुकी है क्योंकि गाड़ी बंद हो गई थी और अब वो काम नहीं रहा। और अब इस हमारी जो लाइट है, बिजली है, जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो वापड़ा के थ्रू है। इस वक्त ये बिल्कुल बंद है और इसमें वो इंजन, वो प्लांट, वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, जब बिजली यहाँ पर पैदा की जाती थी तो आप बता रहे थे कि ये है ना क्वार्टर वगैरह रेलवे मुलाजमीन, इन्हीं को सिर्फ दी जाती थी? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि क्योंकि ये रेलवे ही का इदारा था, रेलवे ने ही अलग से बना हुआ था ना, जैसे ये वापड़ा से हमारा कोई तल्लुक ना था, ये अंग्रेज़ ने रेलवे का इदारा खुद, रेलवे का ये प्लांट खुद लगाया था, सिर्फ रेलवे मुलाजमीन के लिए, रेलवे सर्विस बिल्डिंग के लिए, रेलवे ऑफिसर्स के लिए और हमारे मुलाजमीन के लिए। इसके अलावा ये किसी को बिजली नहीं मिलती थी। आगे बताएं और क्या? और नाज़रीन, हम आपको अंदर भी लेके चलते हैं, अंदर जो मौजूदा इसकी सूरत हाल है, जैसे कि ये खंडरात, सुनसान, वीरान ये जगह दिखाई दे रही है, भूतों, जिन्हों भूतों का मंजर बयान कर रही है। तो ये पावर हाउस किसी दौर में था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने बनाया था अपने रेलवे मुलाजमीन के लिए जिनको बिजली की ज़रूरत है। तो ये अंदर भी हम आपको लेकर चलते हैं, व्यू वगैरह अंदर का करवाते हैं। तो आप इसके मतलब जी भाई कोई मालूम रखते हैं एक्स्ट्रा वगैरह, वो शेयर कर दें हमारे साथ। मालूम यही है कि जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी, ये हमारा जंक्शन था, बहुत बड़ा जंक्शन था, तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद एक गाड़ी निकलती थी यहाँ से, दिल्ली क्या, यहाँ से मुल्तान क्या, यानी कि यहाँ पे ऐसा था कि ये हमारा जो रेलवे स्टेशन था ना, ये शहर की जो ना एक शाहरग थी,
जो बंद कर दी गए हैं, रेलवे जो खंडरात बन गए हैं, ज़मीन जो है हमारी वो जो ना रेलवे की बिल्कुल बेकार पड़ी है, लाइनें लोग जो ना वो बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं, यानी कि इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि इसे दोबारा बहाल किया जाए, चाहे एक गाड़ी हो दो गाड़ी हो, कम अज़ कम आवाम को इसका जो ना सहूलियात मिले। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनकी बदमाशी चलती है, वो जो ना वो अपने ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए इसको बंद करवाया उन्होंने और अपने मनमानी के किराए लेते हैं, वो आवाम वहाँ पे जलील होती है, ख्वार होती है। हम चाहते हैं कि अवामी जो मुतालबा है कि इसे दोबारा बहाल किया जाए, चाहे एक ट्रेन हो, दो हों, तीन हों, जितनी भी हों, लाइन हमारी सारी ठीक है, तकरीबन सब कुछ ठीक है, मुलाजमीन इधर हैं, हर चीज़ है, यानी कि हर तमाम चीज़ इधर मैसर है। सिर्फ नहीं है तो सिर्फ गाड़ी नहीं है, बाकी सब कुछ है। अगर वो गाड़ी एक दो शुरू हो जाएँ तो आवाम को बहुत सारे जो है ना वो सहूलियात मिल जाएंगे, आवाम जो है ना वो इनके जो प्राइवेट सेक्टर है गाड़ियों वाला उनसे उनकी जान छुटकारा हो जाएगी। तो नाजरीन अगर कैमरा मैन इस तरफ दिखाए, ये जी रेलवे ट्रैक हैं, कुछ यहाँ से उखाड़ लिए गए हैं पटरियाँ वगैरह। तो ये रेलवे स्टेशन है, ये बेसिकली बहावल नगर का हिस्ट्री का रेलवे स्टेशन है। तो नाजरीन इस पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो वगैरह बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह दे दूँगा, वो वीडियो वगैरह भी देख लेना। तो हम आपको अंदर भी लेके चलते हैं, अंदर का थोड़ा सा व्यू वगैरह करवा देते हैं, जो पावर हाउस है। तो नाजरीन ये देख लें सामने में, ये जो सामने ऑयल टैंक वगैरह पड़े हैं, इन्हीं की तरफ मैं आ रहा हूँ। अच्छा नाजरीन पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखें जी वाइट स्लेब यहाँ पर लगे, 1938 PWRT बहावल नगर। तो ये जी पावर हाउस है, तो ये सामने ऑयल टैंक वगैरह पड़े हैं, मैं इसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। जब ब्रिटिश हुकूमत थी, रेलवे स्टेशन जब कंटिन्यूस था, उस वक्त यहाँ पर बिजली वगैरह पैदा की जाती थी। ये देख लें जी नाजरीन, ये सामने पड़े हैं जी ऑयल टैंक वगैरह। अब देखें ये कीकर वगैरह, ये झाड़ियाँ बूटियाँ जंगली वगैरह, ये कैसे यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं। तो कैसे ये वैरान सुनसान जगह दिखाई दे रही है, जंगल का मंजर बयान कर रही है। तो किसी दौर में यहाँ पर बिजली वगैरह पैदा की जाती थी, जब ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने, मतलब है कि जब ये पावर हाउस उन्होंने बनाया था, तो उस वक्त का ये पावर हाउस है नाजरीन। तो ये जो टैंक आप देख रहे हैं, ये अंदर से बिल्कुल खाली है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है। ये अंदर से ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पाइप वगैरह लगे हुए हैं ज़मीन के अंदर, इन्होंने पाइप वगैरह लगाए हुए थे। तो इन्हीं पाइपों के ज़रिए यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर ऑयल वगैरह स्टोर किया जाता था, ये पाइपों के ज़रिए मतलब ऑयल जाता था। तो इधर ये जो रूम वगैरह कमरे हैं, इसी के अंदर इंजन वगैरह रखा हुआ था इन्होंने बहुत बड़ा, जो बिजली को प्रोड्यूस पैदा करता था। तो वो फ़िलहाल वो दरवाज़े वगैरह क्लोज हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वो इंजन अंदर से। तो ये हैं जी वो ऑयल टैंक हैं, जहाँ पर तेल वगैरह होता था। तो वो मैं दूसरी तरफ भी आपको लेके चलता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नाजरीन ये जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के साथ ये पावर हाउस है। तो रेलवे स्टेशन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो वगैरह बना चुका हूँ, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री वगैरह मैंने बयान की है रेलवे स्टेशन की। तो वो वीडियो वगैरह भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक वगैरह दे दूंगा, आई बटन आई कार्ड। तो वो वीडियो वगैरह भी देख लेना अगर आपने देखनी हो, वो भी हिस्ट्रिकल वीडियो वगैरह है। तो इस वक्त है जी ये जो जगह है जी, ये है जी पावर हाउस है, यहाँ पर बिजली वगैरह, सिर्फ बिजली वगैरह पैदा की जाती थी। तो आगे वो सामने वाला कमरा देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल स्टोर है, तो बिजली वगैरह का जो सामान वगैरह यहाँ पर एप्लायंस एपरेटस वगैरह रखे जाते थे। तो उधर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो कमरा देख रहे हैं ना, ये रूम वगैरह, इसी के अंदर इंजन, बहुत बड़ा इंजन रखा हुआ है। तो अब ये जो दरवाज़ा लॉक है, इसको ताला लगा हुआ है, तो हमारे पास चाबी नहीं है, तो हम इस वक्त आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ये जो अंदर ये सुराख वगैरह है, इधर से मोबाइल लगा कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें जी, ये इलेक्ट्रिकल स्टोर वगैरह, ये है जी इलेक्ट्रिकल स्टोर वगैरह है, जहाँ पर बिजली वगैरह का कोई एक्स्ट्रा वगैरह सामान वगैरह रखा जाता था। तो इसकी अब हालत आप देख लें, ये जो है ना पावर हाउस वगैरह, इसकी हालत आप देख सकते हैं, कैसे ये टूटी फूटी हुई दीवारें हैं और इसकी क्या मौजूदा पोजीशन कंडीशन वगैरह है।
तो ये देखें नाज़रीन, मैं ये सुराख वगैरह है यहाँ पर, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने की। ये अंदर का व्यू वगैरह मैं आपको, ये थोड़ा सा अंदर सामान वगैरह पड़ा है। ये जी नाज़रीन अंदर का व्यू, ये अंदर पाइप वगैरह पड़े हैं और कुछ इंजन का सामान वगैरह भी पड़ा है। ये ऊपर जंजीर वगैरह भी लटका हुआ है, इसके ज़रिए ये कोई चीज़ को सेट करने के लिए इसको इसका इस्तेमाल करते थे। ये जंजीर वगैरह ऊपर सीलिंग के साथ लटका हुआ है। तो ये नाज़रीन, ये बेसिकली रेलवे स्टेशन की ये हदूद है, रेलवे स्टेशन का इलाका है। तो ये मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू वगैरह करवा रहा था, ये पावर हाउस वगैरह, ये साथ ही ये रेलवे स्टेशन है। ये है जी एक जगह ये, पर यहाँ पर वाटर वगैरह पानी वगैरह स्टोर किया जाता था। और दूसरी तरफ से मैंने वो ऑयल टैंक वगैरह भी आपको दिखा दें, जहाँ पर ऑयल वगैरह स्टोर किया जाता था। तो जहाँ से ऑयल वगैरह आता था अंदर, ये इंजन वगैरह इस रूम के अंदर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बिजली वगैरह प्रोड्यूस की जाती थी। आगे फिर ये रेलवे मुलाजमीन है, जो रेलवे के क्वार्टर वगैरह यहाँ पर, उन्हीं को मतलब ये बिजली वगैरह सप्लाई की जाती थी। तो ये देखें जी, ये अंदर यहाँ पर पानी वगैरह ये स्टोर करते थे, यहाँ पर पानी स्टोर होता था। ये अंदर तो ये कूड़ा करकट कचरा वगैरह अंदर पड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो वगैरह पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह की नाज़रीन इसी चैनल पर मैं वीडियो वगैरह लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।